बैतूल के आमला थाने में एक महिला की रजामंदी से फोन पर गंदी गंदी बात करने वाले एक एसआई, एक प्रधान आरक्षक और एक आरक्षक को सस्पेंशन की कार्यवाही का सामना करना पड़ रहा है। आरोपी जांच में सिद्ध होने के बाद एसपी सिमाला प्रसाद ने प्रभावी कार्यवाही करते हुए तीनों को निलंबन आदेश थमा दिया। एसपी के इस कार्य को सराहना भी मिल रही है। दरअसल मामला आमला थाना क्षेत्र के एक गांव का है, जहां एक ग्रामीण ने पुलिस कार्यालय में शिकायत करते हुए बताया कि आमला थाने में पदस्थ एसआई अमित पवार, प्रधान आरक्षक बलराम एवं आरक्षक आदित्य बेले फोन पर उसकी पत्नी से गंदी गंदी बातें करते हैं। मामले पर त्वरित संज्ञान लेते हुए एसपी ने इसकी जाँच उप पुलिस अधीक्षक महिला सेल से कराई। जांच के दौरान पाया गया कि सही में ये पुलिसकर्मी आवेदक की पत्नी से अनगर्ल एवं गंदी बातें कर रहे थे, जिसमें महिला की भी रजामंदी थी। तीनों पुलिसकर्मियों को अशोभनीय आचरण के चलते एसपी सिमाला प्रसाद ने निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में इन पुलिसकर्मियों को रक्षित केंद्र बैतूल में अपनी सेवाएं देनी होगी। आमला थाने क्षेत्र में युवक बिहारी नामक व्यक्ति द्वारा शिकायत की गई थी। माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय को शिकायत दी गई थी कि ये व्यक्ति थाने का कुछ स्टाफ है, उसमें सब इंस्पेक्टर, एक हवलदार, एक कॉन्स्टेबल है, के द्वारा ये पत्नी से कुछ बातें की जा रही है, बातचीत का स्तर अत्यंत निम्न स्तर की है। उस संबंध में कुछ साक्ष्य भी प्रस्तुत किए थे उन्होंने और उसकी जाँच डीएसपी महिला सेल से एसपी साहब ने कराई थी और जाँच में पुष्टि होने पर इस पर कदाचरण का दोषी इनको पाया गया और इसमें इनको सब इंस्पेक्टर अमित पवार और दो एक हेड कॉन्स्टेबल है प्रभारी और एक कॉन्स्टेबल है, तीन लोगों उसमें निलंबित कर दिया, बोला संबंध किया गया है और कदाचरण का दोषी पाए जाने पर ये पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा कार्रवाई की गई। सर, ये जानकारी ये भी सामने फोन किया करती, ठीक है, इस तथ्य पे कोई जांच जो होती है उसमें पूरे पहलू देखे जाते हैं, उसमें कॉल डिटेल भी देखी जाती है, उसमें रिकॉर्डिंग आई वो भी उसको देखा गया है, सुना गया है, तो रिकॉर्डिंग्स और कॉल डिटेल में जो ड्यूरेशन है वो ऐसा नॉर्मल कॉल का नहीं है, इसलिए उसमें जो है उनको कदाचरण का दोषी पाए जाने पर लंबित किया गया। आगे इनकी फिर विभागीय जांच वगैरह और सभी पहलुओं को बारीकी से देखा जाएगा। सर, इसमें ये भी हेरिटेट कर रही थी, कार्रवाई के लिए दबाव डाल रही थी, भावावेश में कह सकते हैं किसी कारणवश ऐसे शब्द निकले, ये भी पता चल पाया है। अभी इसमें और आगे विभागीय जांच होगी, इसमें और पुलिस अधिकारी से उम्मीद की जाती है कि बगैर किसी दबाव में निष्पक्ष रूप से कार्रवाई करें। अगर कोई दबाव डाल रहा था तो इसमें वरिष्ठ अधिकारी को अवगत कराया जाना है, उनके पास वैधानिक उसमें कार्रवाई करनी चाहिए थी, संबंध में कोई अवगत भी नहीं कराया गया, संदेहास्पद आचरण और कदाचरण में उसको पाए जाने पर कार्रवाई होगी। सर, स्थानीय जानकारी के अनुसार महिला का कहलाया जाता है, इस तरह से कोई कमेंट नहीं कर पाएंगे, इस संबंध में कोई जानकारी ऐसी नहीं है, क्योंकि पुलिस का जो व्यक्ति होता है, पुलिस अधिकारी होता है, वो एक शपथ ग्रहण करके और उसमें काम करता है, वर्दी की मर्यादा रखनी पड़ती है, उसके वो नहीं पाई जाती तो विभागीय तौर पर इस तरह के एक्शन लिए जाते हैं और लिए गए हैं। अग्रिम जो इसमें विभागीय जाँच वगैरह की होगी तब तक सभी पहलुओं पर बारीकी से देखा जाएगा। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए बैतूल से दुर्गा प्रसाद जौजारे की रिपोर्ट।